कोतवाली थाना क्षेत्र के पास इलाके साहबगंज के उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक घर के सामने खड़े पिकअप में आग लग गई। लोग अभी कुछ समझ पाते कि उसके पहले ही पटाखों की आवाज से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। स्थानीय लोग अपने परिवार के साथ सुरक्षित स्थानों पर चले गए और कुछ साहसी युवकों ने हिम्मत से काम लेते हुए आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया और इसकी सूचना तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को दे दी। दिन दहाड़े रिहायशी इलाके में हुई घटना की सूचना मिलते ही एसपी सिटी विनय कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह, सीओ कोतवाली बीपी सिंह सहित फायर ब्रिगेड की दो गाड़ी, नागरिक सुरक्षा कोर की बटालियन सहित मुकामी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आग को अपने काबू में किया। इस दौरान पिकअप में रखा लाखों का पटाखा जलकर खाक हो गया। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि अज्ञात पिकअप किसी व्यक्ति ने यहां खड़ा कर दिया था जिसमें पटाखा लदा हुआ था। चूंकि साहबगंज में किराना की बड़ी मंडी है तो लोगों ने समझा कि किसी का सामान आया होगा, लेकिन दोपहर में पिकअप में अज्ञात कारणों से आग लग गई और क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्थानीय लोगों और एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया। उनका घर पकड़ लिया है। ये गीतांजलि होटल के घर एक गाड़ी है ना, उसी पटाखा रखा था वही वाला घर में प्यार लगे किराना मंडी में किराना के काम नहीं है वो बताएंगे सब गाड़ी तरीके बहुत अच्छा हुआ है। हमने फाइव मिनट भेजिए किराना मंडी होटल के पानी हमारे लोग कुछ फेंक दिया मालू फेंक जाए आप सब बढ़िया है फोटो ही मारो सामने देखा जाए कुछ कैंटी हेरे में आ रहे हैं ये हर ये हर ये घर में कहाँ किधर है आप दीजिए जब इसके बाहर निकलेंगे ये सड़क के बाहर जो है ये पता करते हैं गाड़ी का नंबर किसकी है। ये उसी गाड़ी उसी के कंफर्म है। हाँ ये गाड़ी रहा था भाई मैं 11:30 बजे गया तो गाड़ी थी। हाँ भैया 11:30 बजे मैं गया तो गाड़ी थी। हमारा मकान नहीं है सामने बाहर आए थे और आओ लोग बेटा खाली कर दो अब तमाम अब आगे घर अगर हमारे फोन नहीं उठाए जो काम आप मतलब आपको फोन किए अभी नहीं
नहीं चलो जाओ बंद क्यों किया बंद क्यों किया चलो बाहर आ जाओ पटाखा ऐसे पूछो क्या हुआ मोहम्मद जमाल खूनीपुर मैंने हम बाल कटवा के आए हैं तो ऊपर गए तो आवाज़ आने लगी तो ऊपर सबसे ऊपर देखा तो ये तो हमने बाल्टी पानी फेंकना शुरू किया। उसके बाद 100 नंबर पे फ़ोन किया तो वो कहाँ से क्या ना हम अरे पहले यहाँ ये आग लग गई है हमारा नाम ये है खूनीपुर पार्क के सामने मैं अपना बताया हमने गाड़ी रात ही से खड़ी थी जी अक्सर गाड़ी खड़ी रहती है भाई एक घंटे तक हुआ एक घंटे तक बमबारी हुई है कड़ी मशक्कत के बाद पूरा घर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया और पूरा दहशत का माहौल था पूरा धुआं ही धुआं था। बाद में दमकल आई यहाँ के स्थानीय लोगों के प्रयास के द्वारा ही इसमें काबू पाया गया है। नुकसान ये देखिए जंगला फल्ला ये बर्जा सब पूरा पर्दा जंगला सब टूट गया। कैमरे घुमा लीजिए देख लीजिए घर के बच्चे हम लोग सब इतना धुआं धुआं था कि हम लोग उधर भागना पड़ा बाहर निकल आए उस तरह से दूसरी तरह से रास्ता है पूरी घुटन हो रही थी। पटाखा बजा हम बच्चे बजा रहे होंगे लेकिन काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आने लगा पता चला कि इतनी जो गाड़ी खड़ी है गाड़ी में निकल रही है गाड़ी निकल रही पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठा होकर पानी डाला गया फिर पानी बुझाया गया फिर बाद में दमकल आई। कितने बजे की घटना होगी 11:30 बजे कितना देर तक विस्फोट हुआ आधी घंटा आपका मकान बगल में है तो क्या सब क्या लगा सारे घर के लोग बाहर निकल गए घटना सर क्या है हम लोग आज मंगलवार है मंगलवार को थोड़ा आप लोग का काम इधर का बंद रहता तो बड़ा रिलैक्स हो गया आज का दिन हम लोग रखते हैं हम नहाने जा रहे थे तभी कुछ पड़ाके का आवाज़ आई हम लोग सोचे दीपावली का समय चल रहा बच्चे पड़ाका बजा रहे होंगे तभी बहुत तेजी से भी पटाखा होने लगा बनने लगा एकाएक भी होकर बचाओ 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 सब मोहल्ले की लड़कियां बच्चे औरतें सब भागने लगी क्या बात है। हम लोग आके देखे यहाँ पे कि जो है एक गाड़ी में जो है मैजिक गाड़ी में आग लगा हुआ है इसमें से पटाखा बहुत तेजी से निकल रहा है लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कर रही थी कि हम लोग वहाँ जाकर उसको बुझा सकें। धीरे धीरे जब पब्लिक इकट्ठा हुई सब लोग आए तो कुछ जवाब कम हुई तो हम लोग किसी तरह बल्टी जो नाली का पानी मिला जो पानी मिला वो पानी से हम लोग बुझाने का काम स्टार्ट किए इस तरह उसको जो है कितने देर तक रहा होगा बिस्कुट कम से कम एक घंटा तक बमबारी हुई है लगभग अभी से करीब 1:15 बजे के करीब अचानक हम लोग अपने दुकान पे बैठे हुए थे तेज धमाकों की आवाज़ सुनाई दी धीरे धीरे वो धमाके इतनी तेजी से बढ़ते गए जैसे लगा कि कहीं आग लगी है फिर उसके बाद हम लोग दौड़ते दौड़ते जब तक यहाँ घटनास्थल तक पहुँचे तो पता चला कि यहाँ पर एक टाटा मैजिक रखी हुई थी जो कि कल रात से लोग बता रहे हैं यहाँ के अगल बगल के लोग जो कल रात थी तो उसमें भीषण आग लगी हुई थी मोहल्ले वालों के विशेष प्रयास से हम लोगों ने काफ़ी मेहनत से मोहल्ले के लोगों ने मिलकर के उसको जो है मैनेज किया जी मतलब जब धमाके बहुत काफ़ी तेज़ी से हो रहे थे साथ ही प्रशासन का बहुत बढ़िया सहयोग रहा तो प्रशासन यहाँ मौके पर पहुँच गई। इस तरह ये खूनीपुर मोहल्ले में एक टाटा मैजिक गाड़ी पे पटाखे लूट थे स्थानीय लोगों का कहना कि गाड़ी रात में यहाँ लगभग 2 बजे से लावारिस हालत में खड़ी थी गाड़ी पे नंबर है और आज इस गाड़ी में पटाखे से विस्फोट हुआ है
तो पब्लिक के लोगों ने, बाद में फायर ब्रिगेड गाड़ी आई है, आग पे काबू पा लिया गया है। अभी कोई मतलब कैजुअल्टी या अंधन की हानि नहीं हुई है, समय से नियंत्रण पा लिया गया है। ये गाड़ी गोदाम के बीच में मतलब रिहायश के बीच में पटाखे भरी गाड़ी कैसे आई है, किसकी गाड़ी है, इसकी जाँच कराई जा रही है और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई कर रही है। सर कितना अनुमान और कितने पटाखा इसमें रहा होगा? अब इसकी तो अनुमान हम नहीं लगा सकते, पूरी जो स्थानीय लोगों का कहना है कि मैजिक पूरी भरी हुई थी। अब इसमें डिफरेंट कास्ट के अलग अलग पटाखे रहे होंगे, इसके कास्ट बाद में तय हो सकते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि रात में आई थी गाड़ी लगभग 2 बजे के आसपास, ये गाड़ी अभी पकड़ा भी गया है, अभी तमाम पटाखे पकड़े गए थे, उसको नष्ट भी किया गया है और ये लगातार जो सर्च अभियान है जारी रहेगा।